हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जीमेल कैसे बनाएं बगैर किसी नंबर के, यानी फोन आईडी के बगैर। तो आज हम शुरू करेंगे। जीमेल आईडी मैंने ओपन कर ली, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने देना है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ हामिद। यहाँ पे सेकंड नेम आपका अशरफ, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पे आपने अपना टोटल नाम लिख के, जो भी आपने जीमेल आईडी रखनी है उसका नाम लिखना है। साथ कुछ नंबर ऐड होंगे। उसकी रीजन ये है कि इस तरह के कई और नामों से लोगों ने बनाई है, जो कि मैच करेंगे तो वो फिर कंफर्म नहीं होगी आईडी आपकी। इसलिए मैंने 202 लगा दिया। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड करूंगा। पासवर्ड में कुछ 4 से 5 इंच से जो आपने बड़े लफ्जों में लिखने हैं कैपिटल में, और जो है ना वो 4 से 5 ही छोटे लफ्जों में लिख देने हैं। और उसके बाद गिनती के कुछ जो है ना 3 4 इंच से वो आपने ऐड करने हैं। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की निशानी है। दोनों साइडों पे सेम देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फोन आईडी वो मांग रहा है, फोन नंबर आपका मांग रहा है। आपने यहाँ पे फोन आईडी ऐड नहीं करनी, फोन नंबर ऐड नहीं करना। यहाँ पे हम रिकवरी मेल, कोई भी अपना पुराना मेल या किसी भी मेल पे आ गया, जैसे ये मेरा एक पुराना कोई मेल है या मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी बर्थ डेट डाल रहा हूँ, आप अपनी एग्जैक्ट बर्थ डेट डालिए, ठीक है। इसके बाद जेंडर आ जाए, वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, मतलब वो आप डाल लेना। इसके बाद जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि आपने जीमेल के आगे @gmail.com नहीं डाला, तो यहाँ पे वो ऐड करेंगे और जीमेल साथ ऐड कर देंगे। अभी ये हो जाएगा, तो ये अभी हो गया है डन। आई एग्री, ये पॉलिसी पढ़ के आपने एग्री कर देना। एग्री के बाद ये जो है ना वो आपका जीमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा। अभी ये ओपन हो जाएगा, तो ये आपका पहला जीमेल जो है वो बन चुका है।